हेलो एवरीवन, अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है शो दैट दिस फॉर्मूला इज अ टोटोलॉजी बाय मेकिंग अ ट्रूथ टेबल एंड सो बेसिकली वो पूछ रहा है क्या ये टोटोलॉजी है। तो इस क्वेश्चन को आप हम तीन अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में तीन अलग अलग अप्रोच हम ट्राई करेंगे। जो भी अप्रोच आपको बेस्ट लगे वो आप एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। ओके, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है। फॉर्मूला जो है वो आपका है P और Q, फिर कह रहा है एंड R और नेगेशन Q, R और नेगेशन Q, ठीक है, इंप्लाइज इंप्लाइज P और R, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, so you can see this is the, yeah, so this is our formula, let's call it G। सबसे पहले इसकी truth table बना के check करते हैं। तो truth table के लिए आपके पास में कितने variable हैं, यहाँ पे तीन variable, P, Q, R, you have three variables, ठीक है। तो तीन variable हैं और सारे के हर variable या तो true हो सकता है या false हो सकता है। तो हमारे पास में कितनी possible cases हैं, कितनी possibilities हैं, total आठ possibilities, या तो तीनों false हो सकते हैं या फिर पी और क्यू दोनों फॉल्स हो सकते हैं, आर ट्रू हो सकता है, या फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, या फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, या फिर ट्रू, या फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, या फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, या फिर ट्रू ट्रू फॉल्स, या फिर ट्रू ट्रू ट्रू। तो दीज आर द एट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास में, क्योंकि पी के लिए दो पॉसिबिलिटी है, क्यू के लिए दो पॉसिबिलिटी है, आर के लिए दो पॉसिबिलिटी है। हर जो वेरिएबल है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ओके, तो हर वेरिएबल के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास में आठ पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हैं। ओके, अब चलो पहले तो हम पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पी और क्यू की ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, पी और क्यू, फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स दैट इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू दैट इज ट्रू 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 ट्रू। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अपन बनाते हैं चलो R और नेगेशन Q की ट्रूथ टेबल। R और नेगेशन Q, तो देखो ये फॉल्स कब बनेगा, R और नेगेशन Q, ये फॉल्स बनेगा जब R फॉल्स हो और Q ट्रू हो, मतलब R फॉल्स हो और Q ट्रू हो, R फॉल्स Q ट्रू। तो इस सिचुएशन के अंदर ये फॉल्स बनेगा, R फॉल्स Q ट्रू, तो इस सिचुएशन में ये फॉल्स बनेगा, बाकी हर सिचुएशन में ये ट्रू रहेगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब इसके बाद में हम P और R की भी बनाते हैं। चलो P और R, तो P और R, false और false that is false, साथ में false और false that is false, बाकी हर सिचुएशन में ये true रहेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब इसके बाद में चलो हम ये P और R एंड दिस, तो बेसिकली इतने की ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। तो चलो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि P और Q एंड R और नेगेशन Q, इसकी ट्रूथ टेबल कैसी बनेगी। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका कंजंक्शन करना है, इन दोनों का एंड करना है, इसका और इसका, इन दोनों का एंड करना है। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास में फॉल्स और फॉल्स एंड ट्रू दैट इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू दैट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स, फिर ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। तो ये हमारी बनी। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है इसमें दिस। ओके, अब आप जी की बनाओ। बेसिकली जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है दिस इंप्लाइज दिस, इसकी आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। दिस इंप्लाइज दिस, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स दैट इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू दैट इज ट्रू। व्हाट यू कैन सी, आप देख सकते हो कि हमने क्या बनाया, हमने जी की ट्रूथ टेबल बनाई और जी जो है वो हमेशा ट्रू है। ये जो फॉर्मूला जी है वो हमेशा ट्रू है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जी एक टोटोलॉजी है। क्योंकि टोटोलॉजी का क्या मतलब होता है, टोटोलॉजी मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा ट्रू रहे। आप देख सकते हो जी जो है वो हमेशा ट्रू है। ओके, यू कैन सी जी इज ऑलवेज ट्रू, सो दैट्स व्हाई जी इज टोटोलॉजी। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल से। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रूथ टेबल से भी सोल्व कर सकते हो। अब हम इस सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि जो ट्रूथ टेबल है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए सबसे
एक एक दूसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं और वो क्या है, मैंने ये मेथड ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैंने बताया था कि जब दो से ज्यादा जब वेरिएबल हो तब आप क्या कर सकते हो, आप इसको दो केसेस में डिवाइड कर सकते हो। चलो वो मेथड आप अप्लाई करके देखते हैं। ओके, आर और नेगेशन पी एक्स, वेट अ सेकंड, नेगेशन क्यू, ठीक है, दिस थिंग इंप्लाइज पी और आर। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास में तीन वेरिएबल है पी क्यू आर। जब आपके पास में दो से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हो कि आप क्या करो, दो केस में डिवाइड कर दो इसको, एक बार तो पी ट्रू और दूसरी बार पी फॉल्स। ठीक है, तो क्या हो, ये आपका केस वन, लेट्स कॉल इट केस वन। केस वन मतलब जब पी ट्रू है। अगर पी ट्रू है तो आप क्या कर सकते हो, देखो ट्रू और क्यू दैट इज ट्रू। ओके, क्योंकि ट्रू के साथ ट्रू और एनीथिंग दैट इज ट्रू एंड, तो पी अगर आपका ट्रू है तो ये हो गया आर एंड क्यू डैश implies p आपका true है तो ये हो गया true। अब एक चीज देखो यहां पे बहुत ही सिंपल है, अगर ये आपका implication statement है, मतलब कि this implies true। आपको पता है implication statement के अंदर जब ये beta, जब ये implication का RHS, okay, जब implication की जो right side है वो अगर true होता है तो ये पूरा इंप्लीकेशन क्या बन जाता है, वो ट्रू बन जाता है। तो देखो ये अगर ये ट्रू है तो ये पूरा इंप्लीकेशन क्या बन जाएगा, ट्रू। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो केस वन है दैट इज बेसिकली ट्रू। तो जब पी ट्रू है तो जी भी ट्रू है, अगर पी ट्रू है तो जी भी ट्रू। ओके, सेकंड देखते हैं क्या होगा अगर पी फॉल्स हो, पी के फॉल्स होने पर क्या होगा। ठीक है, केस टू जब पी फॉल्स है, अगर पी फॉल्स है तो क्या होगा, False or Q, that is Q, okay, and R or Q dash, ठीक है, this implies P is false, okay, false or R, that is R, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से है Q and R or Q dash, यहां पर आप apply कर सकते हो distributive property, तो यहां पर distributive property आप apply करोगे तो मिलेगा Q and R or Q and Q dash, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है, ठीक है, दिस इंप्लाइज आर। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, क्यू एंड क्यू डैश दैट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स और एनीथिंग दैट इज बेसिकली एनीथिंग, सो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला क्यू एंड आर इंप्लाइज आर, क्यू एंड आर इंप्लाइज आर, ये ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, या देखो ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q and R dash plus R। यहां पर मैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकता हूं, तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि Q dash और R dash और R, R और R dash that is true, R और R dash that is true, so Q dash और true, Q dash और true means true। तो आप देख सकते हो फाइनली मुझे क्या मिला, true। तो आप देख सकते हो कि जब केस वन, जब P true है तब भी हमारा फॉर्मूला जो G है वो true है, और केस टू जब पी फॉल्स है तब भी जो हमारा फॉर्मूला जी है वो ट्रू है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जी जो है, हमारा फॉर्मूला जी जो है दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, क्योंकि या तो पी ट्रू होगा या फिर पी फॉल्स होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी के अंदर जी जो है वो ट्रू है। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला जी है दैट इज ऑलवेज ट्रू, सो द फॉर्मूला जी इज टोटोलॉजी। तो ये था सेकेंड मेथड। ठीक है, तो हमने एक मेथड हमने देखा ट्रूथ टेबल, दूसरा मेथड हमने देखा क्योंकि हमें पता है कि दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको केस में डिवाइड कर सकते हैं, पहला केस जब पी ट्रू है, दूसरा केस जब पी फॉल्स है। दोनों केस को हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दोनों केस के अंदर जी जो है वो ट्रू है, और अगर दोनों केस में जी ट्रू है इसका मतलब जी जो है वो हमेशा ट्रू है, इसका मतलब जी जो है वो टोटोलॉजी है। अब इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, और वो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जब मैंने बताया था कि जब भी आपके पास इंप्लीकेशन स्टेटमेंट हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये इंप्लीकेशन स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी है, अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप क्या करो, अल्फा को ट्रू एंड बीटा को फॉल्स बनाने की कोशिश करो। ओके, तो बीटा को फॉल्स एंड अल्फा को ट्रू, आप ये बनाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा कर पाते हो, अगर आप अल्फा को ट्रू बीटा को फॉल्स, अगर ये कर पाते हो
ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। और अगर मान लो कि बीटा को फॉल्स बनाने के बाद आप अल्फा को ट्रू नहीं बना सकते, तो इसलिए हम मैं कहूंगा कि ये जो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, दिस इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी, ये मेथड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेट्स अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला जी है वो क्या है, लेट मी राइट इट अगेन, इम्प्लाइज पी और आर, तो जो पी और क्यू, आर और क्यू डैश, पी और क्यू एंड आर और क्यू डैश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जी है। यहां पे आप देख सकते हो ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, क्योंकि ये एक इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, अल्फा इम्प्लाइज बीटा। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले बीटा को फॉल्स बनाऊंगा और बीटा को फॉल्स बनाने के बाद मैं कोशिश करूंगा अल्फा को ट्रू बनाने की। तो सबसे पहले बीटा को फॉल्स बनाते हैं। चलो बीटा क्या है, बीटा है पी और क्यू, पी और आर, पी और आर। इसको फॉल्स बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पी को भी फॉल्स बनाना पड़ेगा, आर को भी फॉल्स बनाना पड़ेगा। दिस इज दी ओनली वे, अगर मैं पी और आर को फॉल्स बनाना चाहता हूं तो पी और आर दोनों को फॉल्स बनना पड़ेगा। ठीक है, अब बीटा को फॉल्स बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा को ट्रू बनाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं अल्फा को ट्रू बना सकता हूं, चलो देखते हैं। देखो पी आपका फॉल्स है तो पी और क्यू क्या हो गया, पी फॉल्स है, पी और क्यू, फॉल्स और क्यू, दैट इज क्यू। एंड एंड आर भी आपका फॉल्स है तो आर फॉल्स है तो फॉल्स और क्यू डैश, दैट इज क्यू डैश। अब क्यू एंड क्यू डैश, क्यू एंड क्यू डैश इज बेसिकली फॉल्स। तो क्या हुआ, देखो बीटा को फॉल्स बनाने के बाद, बीटा को फॉल्स बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये इकलौता तरीका है। अब बीटा को फॉल्स बनाने के बाद मैं अल्फा को ट्रू नहीं बना सकता। आप देखो बीटा अगर फॉल्स है, बीटा अगर फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि अल्फा भी फॉल्स है। तो बीटा को फॉल्स बनाने के बाद मैं अल्फा को ट्रू नहीं बना सकता, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जी एक टोटोलॉजी है, जी इज अ टोटोलॉजी। ओके, सो दिस इज द थर्ड मेथड। You can see how easy this method is. आप एक तो ये method देखो कितना easy है, okay? You can see बहुत कम time इसमें लगा, बहुत easy method है, ठीक है? और यहाँ पे आपने देखा, और एक ये method हमने देखा, ये भी अच्छा method है, लेकिन इस method से कम time हमें इस method में लगे। जो तीसरा method जो हमने देखा है, this is the most efficient method, this is the best method। आपको तीनों method की practice करनी है, आपको हर क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसको आपको दोनों तीनों मेथड से आपको उसको सोल्व करना है, ताकि आपकी हर मेथड की प्रैक्टिस रहे। ओके, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जो भी मेथड आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंट लगे, जो भी मेथड आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने तीन मेथड देखे, एक तो ये मेथड है और एक दूसरा ये और एक तीसरा ट्रूथ टेबल। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी, ओके, दिस इज अ टोटोलॉजी। ओके।